जी अगर किसी नेता को मनाने में उनको भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, बहुत जबरदस्त फायदा होगा, बल्क में वोट उनको मिलेंगे, तो उस नेता को मनाने में भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटेगी। भारतीय जनता पार्टी का और जो चौधरी देवलाल परिवार है उनका लंबे समय से साथ रहा है, ये इतिहास गवाह है। इस बार भी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि देवलाल परिवार को दूर किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। दोस्तों की जैसा आप सब जानते हैं, इस समय हरियाणा में जो चुनावी उथल पुथल है वो बहुत जोरों पर है, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है वो होने वाले हैं। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की और लिस्ट जारी करते ही राजनीतिक गलियारों में जैसे खलबली सी मच गई। इस्तीफों का जो दौर था वो एकदम से शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेताओं ने इस्तीफे दिए, बहुत से नेताओं ने दूसरी पार्टियां जो है ज्वाइन कर ली। आइए जानते हैं कि ये जो लोग भारतीय जनता पार्टी से इस समय रूठकर दूसरी पार्टियों की तरफ रुख कर रहे हैं या इस्तीफे दे रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी जो है उनको मना सकती है, दोबारा मनाकर अपने साथ जोड़ सकती है, क्या इस चीज का भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा होगा या नुकसान होगा, इन सब पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ राजनीति के जानकार सतीश मेहरा जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं ये किस तरह से ये सब कुछ हो सकता है। मेरा साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। मेरा साहब, पिछले दिनों जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की जो पहली लिस्ट है वो जारी हुई, जारी होते ही एक इस्तीफों की झड़ी सी लग गई। बहुत से लीडरों ने इस्तीफे दिए, बहुत से लोग नाराज हो गए, बहुत लोगों ने दूसरी पार्टियां ज्वाइन की। क्या भारतीय जनता पार्टी है, क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन रूटों को मना सकती है, इसमें कामयाब होगी या नहीं होगी, क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से राजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी इस रूठों को मनाने में अपना जो घटा जोड़ है वो जरूर देखेगी। अगर किसी नेता को मनाने में उनको भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, बहुत जबरदस्त फायदा होगा, बल्क में वोट उनको मिलेंगे, तो उस नेता को मनाने में भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटेगी। चाहे उनके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व से उनकी बात करवानी पड़े, चाहे अब स्टेट लेवल का जो नेतृत्व है उन्होंने अपने नेताओं से जो उठे हुए उनसे उनसे बात करनी पड़े, तो भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को मनाने में कामयाब होगी और मनाएगी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की 200 से भी मुझे लगता है अधिक जो पदाधिकारी हैं, जो पूर्व विधायक हैं और जो पदाधिकारी रहे हैं, उन्होंने रिजाइन किया, इस्तीफा दिया। बिल्कुल। और मुझे लगता है जिन लोगों ने अब रिजाइन किया है और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है, चाहे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की हो, चाहे दूसरी और कोई रीजनल पार्टी ज्वाइन की हो, तो वो लोग उन लोगों का वापिस आना मुश्किल है जी। लेकिन जिन नेताओं ने, जिन पदाधिकारियों ने रिजाइन तो कर दिया लेकिन दूसरी पार्टी अभी तक ज्वाइन नहीं की है, या वो नाराज है इससे भारतीय जनता पार्टी से जी, वो उन लोगों को मनाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दूसरी पार्टी में अभी तक गए नहीं है। और कई लोग हैं जैसे बहुत बगावती उस पे तेवर में है, कई लोगों ने आंसू बहाए हैं, कई लोग कैमरे के सामने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने साथियों के साथ उन्होंने बड़े कई तरह के रिएक्शंस आए हैं, बड़े आंसू बहाए। मुझे लगता वो आंसू जो जिन लोगों ने बहाए वो बगावती आंसू नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के प्रति उन्होंने गुस्सा जाहिर किया है और जिन लोगों ने एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि फील्ड में उन लोगों ने काम किया हुआ किया हुआ था, और उन जून लोगों ने जिन्होंने आंसू बहाए हैं उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया है और भारतीय जनता पार्टी को समझाने में वो कामयाब हुए हैं कि हमने धरातल पे काम किया और हमें वंचित किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को मनाने में किसी तरह की भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जैसे मैं आपको बताता हूं, कर्णदेव कंबोज है एक, वो ओबीसी सेल के चेयरमैन भी है और बड़ा प्रभाव है पूरे हरियाणा में। हाँ, एक अच्छे नेता, दिग्गज नेता है, कद्दावर नेता है ओबीसी वोटर के साथ, और कंबोज वोटर के साथ, कंबोज बिरादरी जो कई सीटों पर अपना वोट बैंक रखती है, अच्छा वोट बैंक रखती है, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद है कविता जैन का एक अपना नाम है, दो बार वो विधायक रही हैं और मंत्री के हरियाणा सरकार में मंत्री रही हैं, उन्होंने भी अपना गुस्सा जाहिर किया है, विरोध है वो दिखाया है, लेकिन वो पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी है। इसी प्रकार से विशंबर बाल्मीकि हैं, जो पीछे मंत्री भी रहे हैं, बिल्कुल, और बवानीखेड़ा से विधायक हैं,
विधायक हैं, उन्होंने अपना रिजाइन तो नहीं किया लेकिन गुस्सा जाहिर किया उन्होंने। मुझे लगता है इन नेताओं को शशि रंजन परमार हैं, तो शाम से एक जी पहले विधायक भी रहे हैं वो मुडाल से, और तो शाम उसमें कुछ एरिया आता है, तो मुझे लगता है जिन इन लोगों को मनाने में भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं रहेगी। और यहां तक कि मुझे मेरा मानना है जो अभी अभी 3-4 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी में रणजीत सिंह ने ज्वाइन किया था, और रणजीत सिंह ने पार्टी छोड़ी है, लेकिन रणजीत सिंह ने किसी पार्टी को दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। नहीं, सुमित्री जिंदल ने भी इंडिपेंडेंट लड़ने की बात की है, उन्होंने भी अभी तक दूसरी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है। सो इस तरह से बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जो इंडिपेंडेंट लड़ने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया। मेरा सब जैसा कि आप कहते हैं कि वो हो सकता है कि जो लोग रूठे हैं उनको मनाने के लिए जो हाईकमान है, पार्टी हाईकमान है, वो पूरा जोर लगाए और उनको मनाने में कोई कोर कसर पीछे नहीं छोड़ेगी। क्या जो वो लोग जैसे आप कविता जैन की बात कर रहे थे या कुछ और नेता जो है, क्योंकि नाराजगी क्या है कि उनको टिकट नहीं मिली, तो क्या उनको टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी दे सकती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया, जो लोगों के जहन में भी है और लोगों का मानना भी है कि भारतीय जनता पार्टी को मनाने में चाहे जो करना पड़े, जो प्रभावशाली नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो जुटे हुए हैं, उनको मनाने में चाहे जो मर्जी कर, जो भी करना पड़े भारतीय जनता पार्टी करेगी। और यहाँ तक के कई जो विधानसभा क्षेत्र में उसको उम्मीदवारी को भी अगर चेंज करना पड़े तो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों को चेंज कर सकती है। ऐसे भी समीकरण बन सकते हैं कि जो उम्मीदवार अभी उन्होंने नॉमिनेट कर दिए हैं तो वो उम्मीदवार भी चेंज हो सकते हैं, ऐसे उम्मीदवार बन सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। कर्णदेव कंबोज का नाम सबसे ऊपर है, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को उम्मीदवार बना सकती है, ऐसा लोगों का, वहां के लोगों का मानना है। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चौधरी और रणजीत सिंह चौटाला ने इतनी तल्खी नहीं दिखाई है, उससे कहीं ना कहीं लगता है चौधरी रणजीत सिंह चौटाला भी कहीं ना कहीं अपने तेवर इतने ज्यादा कठोर नहीं दिखा रहे भारतीय जनता पार्टी। मेरे सुनने में यह भी आया था कि रणजीत सिंह चौटाला को उन्होंने जो है वो कहा था कि आप डब वाली से इलेक्शन लड़ लो, तो क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है, फेरबदल हो सकता है? हाँ, ये तो रणजीत सिंह चौटाला देखेंगे कहाँ से चुनाव लड़वाना है, लेकिन चौधरी रणजीत सिंह चौटाला रानिया से इंटरेस्टेड है और रानिया से मुझे लगता है उनका क्षेत्र है, एक्चुअली उनकी वहां पे पकड़ है पूरी तरह से। रानिया से उम्मीदवारी चेंज की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि चौधरी रणजीत सिंह एक जाट नेता है और हर क्षेत्र में उनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वोट बैंक है, थोड़ी बहुत उनके कार्यकर्ता है और उन कार्यकर्ताओं का लाभ उठाने के लिए चौधरी रणजीत सिंह को वापिस ला सकती है। मेरा साहब, आपकी बात से ही मेरे जहन में एक बात आई है कि चौधरी देवीलाल जो थे वो बड़े हरियाणा के दिग्गज नेता रहे हैं और पिछले लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी के साथ इस परिवार का कहीं ना कहीं साथ रहा है। जैसे रणजीत सिंह चौटाला जो है ये पार्टी छोड़ गए हैं, ऐसी अभी जो है तालमेल कोई बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है चौधरी देवीलाल के परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी का। क्या रोल रह सकता है ताऊ देवीलाल जो है उनके परिवार का इस बार इलेक्शंस में, और भारतीय जनता पार्टी के साथ किस तरह का तालमेल बनेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी उनको साधने की कोशिश कर सकती है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल वाजिब है, बड़ा ही वाजिब है सवाल है आपका, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का और जो चौधरी देवीलाल परिवार है उनका लंबे समय से साथ रहा है, ये इतिहास गवाह है। चौधरी देवीलाल जी ने 1982 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया और अच्छी सीटें आई थी, और हालांकि वो सरकार बनाने में कहीं ना कहीं चौधरी भजनलाल बाजी मार गए थे, और उसके बाद जो 1987 में उन्होंने चुनाव लड़ा, उसके बाद और चुनाव लड़े, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उन्होंने सरकार बनाई है हरियाणा में, यहाँ तक कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी 1999 का जो चुनाव लड़ा, 2000 का जो चुनाव लड़ा उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उन्होंने सरकार बनाई थी जी। और एक 2014 को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का और चौधरी देवीलाल परिवार का चोली दामन का साथ रहा है। 2019 पे मैं आता हूँ, 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा था, लेकिन अपनी सरकार बनाने के लिए जसपा का
दुष्यंत चौटाला का साथ लिया जी जी, अपने दोनों के कोलैबोरेशन से उनकी 4.5 तक चल अल्टीमेटली देवीलाल परिवार का कहीं ना कहीं साथ रहा है बिल्कुल डेफिनेटली। तो इस बार क्या रह सकता है? और इस बार भी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि देवीलाल परिवार को दूर किया जाए जी। और अभी जैसे मैंने बताया कि चौधरी रणजीत सिंह एक कद्दावर जाट नेता, वो चौधरी देवीलाल के सपुत्र हैं, उनको कहीं ना कहीं मनाने में भारतीय जनता पार्टी आगे आएगी। इसके साथ साथ आदित्य देवीलाल चौटाला जी, जो अपने आप को एक उम्मीदवार के रूप में मान रहे थे और वो डबवाली में काम भी कर रहे थे, लेकिन उनको पहले से अंदेशा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी शायद टिकट ना दे। उन्होंने भी बगावती तेवर अपनाए, उन्होंने रिजाइन किया, पार्टी से रिजाइन कर दिया है, और लेकिन दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं की है। और मुझे लगता है इन दोनों सीटों पर चौधरी देवीलाल के जो दोनों जो वारिस हैं, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, आदित्य चौटाला को मनाने में भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। और डेफिनेटली मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल परिवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। हाँ बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि अभी चौधरी रणजीत सिंह की बात करें या डबवाली से जो उनके पोते हैं देवीलाल जी के, उनकी बात करें, ये दोनों नेताओं ने अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है और उसके बाद कोई और दूसरी पार्टी नहीं ज्वाइन किया, इसका मतलब सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को एक संकेत है कि आप इस बारे में विचार कीजिए। डेफिनेटली ये मान के चलो जो भी रूठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको जो स्टेट जो कार्यकारिणी है भारतीय जनता पार्टी की, पहले वो मनाने का प्रयास करेगी, उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी से उनसे बात करवाएगी और वो काफी सारे नेता मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में मान जाएंगे और वापसी अपनी जो एक्टिव पॉलिटिक्स है भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत करेंगे। सो मेरा साहब के अनुसार भारतीय जनता पार्टी अपने रूठे हुए जितने भी उनके कैंडिडेट्स हैं, सॉरी कैंडिडेट्स का मतलब कार्यकर्ता है या उनके लीडर है, जो भी नाराज चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी पुरजोर कोशिश करेगी कि उनको मनाया जाए और उनको वापस पार्टी में लाके इस बार फिर से पुराने इतिहास को दोहराया जाए, फिर सत्ता में आया जाए। खैर, आने वाले समय में जो भी होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, जल्दी ही बहुत कम समय रह गया इन सब चीजों में, क्योंकि आने वाली 5 अक्टूबर को जो है चुनाव है, तो बहुत जल्दी ये सारा रिजल्ट भी आप लोगों के सामने आ जाएगा कि क्या होने वाला है। तब तक आप देखते रहिए अर्थप्रकाश टीवी। धन्यवाद।